हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू के पापड़, जिसके लिए मैंने लिया है उबला हुआ आलू, आधा किलो आलू है, और एक चम्मच जीरा, एक चम्मच अजवाइन, और कटी हुई धनिया की पत्ती, और कुटा हुआ सूखी लाल मिर्च, मैंने उसे भून के क्रश कर लिया है। अब हम आलू को सारे आलूओं को बारी बारी से क्रश कर लेंगे। देखिए, मैं इन्हें क्रश कर रही हूँ। आलू क्रश करने से इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे, आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। और सारे आलूओं को क्रश करने के बाद हम इसे हाथ से अच्छी तरीके से मैश करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स न रहे और पापड़ स्मूथ बनेंगे। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल लेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, और उससे हम अच्छी तरीके से इसे मैश करेंगे। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च को हम इसमें डालेंगे और मिलाएंगे। जितना तीखा आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। मैंने एक चम्मच डाला है, एक चम्मच जीरा, और स्वाद अनुसार नमक। हमेशा आलू के पापड़ में नमक थोड़ा कम ही डालना चाहिए, क्योंकि सूखने के बाद नमक ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद कटी हुई हरी धनिया और अजवाइन डाल के अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने से क्या होता है कि पापड़ अच्छी तरीके से फूलते हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा यूज़ कर रही हूँ, चुटकी भर। और फिर इस पे मिलाने के बाद हम इसकी छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। हाथ में आप तेल लगाकर अच्छे से गोलियाँ बनाएंगे। अगर तेल नहीं लगाएंगे तो फिर हाथ में जो आलू है वो चिपकने लगेगा। और देखिए, मैंने तेल लगा के कितने अच्छे से इसकी लोई या गोली बोल सकते हैं, इसको बना के मैंने रख लिया है। सबके हम एक एक साइज़ की गोलियाँ बनाकर रख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक प्लास्टिक। प्लास्टिक पे हम ऑयल लगाएंगे, कोई भी आप प्लास्टिक ले सकते हैं, उस पे हम एक गोली को रखेंगे। जिस भी प्लास्टिक पे आपको सुखाना है वो भी प्लास्टिक ही होना चाहिए, कपड़े पे आलू के पापड़ नहीं बनते। और दूसरे प्लास्टिक से हम इसको अच्छे से चकले की सहायता से, जैसे रोटी हम बनाते हैं चौकी, उसको उसके ऊपर रख के हम अच्छे से दबाएंगे। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, वो भी मेथड बहुत अच्छा होता है, लेकिन इससे एक बराबर से और एक साइज से और बहुत ही अच्छे से पापड़ बनके तैयार हो जाएगा। देखिए, हमारा पापड़ रेडी है। इसी तरीके से बाकी बची लोइयों को भी हम अच्छे से बना लेंगे, और उसके बाद हम इसे धूप में सुखाने के लिए दे देंगे। धीरे धीरे निकाले, ताकि ये आलू लेके निकले नहीं प्लास्टिक, और तेल लगा रहेगा प्लास्टिक में तो आलू निकलेगा नहीं। देखिए, मैंने बारी बारी से सारे आलू के पापड़ तैयार कर लिए हैं। इसको एक मेथड मैं आपको हाथ से भी बता देती हूँ, जो मैंने हाथ से उंगलियों की सहायता से बनाया है। इससे भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। देखिए कितना अच्छे से ये निकल गया, और पापड़ कितना कलरफुल लग रहा है। और अब ये सूखने के बाद हम इसे सुखा लेंगे। सूखने के बाद देखिए कैसा लगता है। इसे आप किसी भी तेल में तल सकते हैं। होली हमारी आने वाली है, होली में पापड़ चिप्स ये सब चलते ही रहते हैं। देखिए, मैंने इसे तल लिया है, कितना अच्छा कलरफुल लग रहा है। तो आप इसे एक बार ट्राई करिए, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।